कम उत्तराखंड में मेरी यात्रा चालू है। आज मैं बागेश्वर मंदिर से वहाँ से निकलकर बैजनाथ, जो कि गरुड़ नाम के गांव में है कोसानी के पास, तो मैं आज बैजनाथ मंदिर समूह पहुँच चुका हूँ। अभी थोड़ी देर में जाऊँगा, लेकिन उससे पहले बैजनाथ मंदिर के पास में गोमती नदी पर बैजनाथ बैराज ये डैम है, यहाँ सिंचाई योजना है और एक बड़ा सा झील है, ये बैजनाथ बैराज बोलते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं गोमती नदी पर बैराज बना हुआ है। ये नदी आगे जाके बागेश्वर में सरयू से मिलती है, वहाँ संगम है बागेश्वर मंदिर के पास। खूबसूरत ये गरुड़ गांव, विश्व प्रसिद्ध वैद्यनाथ महादेव मंदिर समूह जो कि पत्थरों के बने हुए हैं, ये वेव पॉइंट है। आगे मैं उन वैद्यनाथ महादेव के दर्शन करवाऊंगा। ये वैद्यनाथ बैराज और ये वैद्यनाथ झील, यह है बैजनाथ झील जिसके किनारे पे बैजनाथ महादेव, ये गरुड़ गांव बागेश्वर जिला कौसानी के पास। ये आपको यहाँ से दिख रहा है बैजनाथ मंदिर समूह, ये है पूरा। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, 500 मीटर है। वेव पॉइंट है, मैं वैद्यनाथ मंदिर समूह गरुड़ गांव में पहुंच चुका हूं। और आगे जो मैंने वैद्यनाथ झील पे बैराज बताया, वो आगे बैराज है, वेव पॉइंट है, ये पार्किंग है और ये झील है। मैं आपको थोड़ा नीचे जाके, यहाँ घाट बने हुए हैं और ये पानी का चलना मत मैंने लेके, आह्लादक ये सुंदर ठंडा पानी है, जय हो, उसका माथे पे अभिषेक करा है। यहाँ बोटिंग भी होती है लेक में, वैद्यनाथ लेक बोलते इसको, वैद्यनाथ बैराज। और यहाँ सुंदर घाट बना हुआ स्नान के लिए और पुरानी सीढ़ियाँ, और अब आपको बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ जो कि भगवान शिव को वैद्यनाथ को समर्पित है। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, प्रवेश द्वार के पास ही मंदिर परिसर में एक सुंदर सी मूर्ति है, हाथ में ये जल का कटोरा लिए हुए, योग मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, कान में कुंडल पहने हुए, ये शिव के गण की शायद प्रतिमा लग रही है, या तो स्वयं शिव भी हो सकते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, ये गण की प्रतिमा है। मंदिर परिसर में काफ़ी पुराने पत्थर के आकार बने हुए हैं। यह हनुमान जी की मूर्ति, नंदियों की मूर्ति, ये ऊपर का घूमट है, पहले शायद बहुत बड़ा मंदिर होगा ये।
और यहाँ पर काफ़ी मंदिर है, सब एक ही पत्थर से बनाए होंगे, काले पत्थर। ये धुआँ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मंदिरों का समूह है, जो कि 7वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक के ये पत्थरों के मंदिर है। और ये मुख्य मंदिर है वैद्यनाथ महादेव। यहाँ की जो सिस्टम है घंटियों की, वो बंधी हुई है। ये द्वारपाल, ये लगभग 9वीं शताब्दी की ये मंदिर है, 9 से 10वीं सेंचुरी की। आप ये देख सकते हैं बहुत ही प्राचीन मंदिर समूह है। कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ऐसे मंदिर समूह यहाँ मिलते हैं। ये मुख्य मंदिर है, आगे और भी मंदिर है, वो मैं सब आपको दर्शन करवाता हूँ। ये पुरातत्व विभाग रक्षित स्मारक है आंचलिक डिपार्टमेंट से। एकदम पत्थरों के ये मंदिर है, आप देख सकते हैं कि पीछे का बैक साइड आप देख सकते हैं। पत्थरों की यहाँ पर पीठिकाओं बनी हुई है। हमारी विरासत, हमारा गौरव, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ये यहाँ से मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ, अंदर कैमरा अलाउड नहीं, इसलिए मैं बाहर से मंदिर समूह। ये मुख्य मंदिर वैद्यनाथ महादेव, और ये मंदिर तो ऐसे लग रहा है कि एक तरफ झुक गया है, अपने लेफ्ट साइड में ये झुक चुका है, फिर भी ऐसे अड़िकम खड़ा है। देखिए ये प्रवेश द्वार, रक्षित स्मारक है ये पूरा, यहाँ हिस्ट्री लिखी हुई है। मंदिर समूह वैद्यनाथ, नागर शैली के ये प्राचीन समूह। ये 9वीं से 12वीं सदी तक के मंदिर है,
काफ़ी मूर्तियां है, काफ़ी मंदिर है यहाँ। ब्राह्मणी देवी, ब्रह्माणी देवी, मंगतेश्वर महादेव, लक्ष्मी नारायण, वेदनाथ महादेव, काफ़ी मंदिर है यहाँ पर। और ये यहाँ से नदी, जहाँ पर झील और बैराज बना है, ये गोमती नदी। यहाँ एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। हेरिटेज ये मंदिर है, देखिए आप। हेरिटेज मूर्तियां बनी हुई है जो कि खंडित है। ये भी एक मंदिर है, यह गणपति की और अन्य मूर्तियां हैं, शिवलिंग है। अभी मैं इनके सबके दर्शन शांति से करूंगा, फिर यहाँ कोट भ्रमरी मंदिर है वहाँ भी जाऊंगा। और आज रात को शायद अनाशक्ति योग आश्रम महात्मा गांधी का जो कोसानी में है वहाँ रुकेंगे। अद्भुत ये मंदिर समूह है। उत्तराखंड की शान, कुमाऊं विकास मंडल का ये गहना है और यहाँ की संस्कृति की यहाँ झलक मिलती है। पूरा मैंने आपको पथ प्रदर्शन कराया, पूरा दर्शन करवाया है। कुछ खंडित अवशेष भी है। ये उत्तराखंड की आन बान शान और धर्म के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, रुचि है, उनका प्रतीक है ये वैद्यनाथ मंदिर समूह, बागेश्वर बागनाथ मंदिर, हाटकालिका मंदिर, पाताल भुवनेश्वर, ये सभी यहाँ की शान है। जागेश्वर धाम, अल्मोड़ा, खूब आनंद हो रहा है मुझे ये सब दर्शन करते हुए और आप सबको ये दिखाते हुए। मैं चाहता हूँ आप भी यहाँ आइए, दर्शन करिए, इसलिए मेरा ये प्रयास है। जय हो वैद्यनाथ महादेव। बाबा भोलेनाथ जी का स्थान है, यहाँ पर माता पार्वती और भोलेनाथ जी के विवाह के समय भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी ने विश्राम किया था। अच्छा। तो विश्राम करने के समय, उस समय क्या हुआ, विश्राम किया तो भगवान भोलेनाथ जी ने अपना यहाँ पर रूप स्थापित कर दिया था, क्योंकि रुके यहाँ पर तो उन्होंने स्थापित किया। तो हमारे जो राजा थे, चंद्रवंशी राजा थे, कचूरी जो राजा थे, उनने फिर उस मूर्ति, उनको स्वप्न हुआ या उनको दृश्य हुआ, वह चीज़ देखा, तो उन्होंने फिर हमारे इस 18वें स्थान के रूप में मंदिर बने हुए, उनकी स्थापना की। उससे फिर ये मंदिर का जो भी मूर्तियाँ निकले सब यहीं से निकले, जो भी मूर्तियाँ सब यहीं, जो आप मूर्तियाँ देख रहे हो सब यहीं से निकले, यही की बनी हुई बनी जो बनी हुई। अच्छा, ये करीब 7वीं सदी के मंदिर है, 9th-10th century का है। 7वीं से 9वीं सदी तक, नहीं नहीं 9th-10th century का है, 9 से 10वीं सदी। उनसे पहले राजा को स्वप्न तब हुआ, फिर जब यहाँ पर ये जंगल था, ये जंगल था ना, जी तो वो उसका गाय ने बच्चा दिया, दूध देती थी गाय जी, तो वो जंगल को हांक देती थी, शाम को दूध नहीं देती थी, बोला दूध कौन दोहा कौन निकालना इसका दूध, इसी से वो रात लेके आ गई, वो जैसे आई तो गाय इसी शिवलिंग के स्थल ऐसी खड़ी थी और दूध अपने आप निकल रहा, पत्थर ने मेरा दूध ऐसा कर रखा करके, तब राजा को स्वप्न हुआ ना, वहाँ शर्ट मारा उसने दराजी से, दो घाव है इसमें छोटे छोटे, ऐसी शिवलिंग का फुआ रहा, वहाँ राजा को स्वप्न हो गया,
पूरा ईसा के राजा ने यहाँ खुदाई की तो सब निकल गया। जी 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 जी, कत्युरवंशी राजाओं ने ये मंदिर बाद में बनाया है। जी जी जी, धन्यवाद पंडित जी।